सारे बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, इंग्लिश के 26 लेटर लिखे हुए हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26। और यहाँ लिखे हैं स्मॉल लेटर। जैसे कि हिंदी में हमने सिखाया कि पहले वर्णमाला हिंदी की आना चाहिए, फिर दो अक्षरों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं वो आना चाहिए। यहाँ से हिंदी क्या करते हैं आप लोग, सीखते हो। उसी तरीके से अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी में पहले सारे बच्चों को दो अक्षरों के शब्द बनाना आना। अब देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक अक्षर है ही, क्या है ही है या एच है? हाँ एच है, यह एच है। अगर एच में छोटी ई जोड़ दे, देखो एक अक्षर हमने जो ले लिया, ये कैपिटल लिया ये स्मॉल लिया है, इन दोनों को मिलाकर देखो ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना एच ई, इसको क्या पढ़ते हैं कौन बताएगा? बोलो बोलो जोर से बोलो, इसे पढ़ते हैं ही। ही मानी क्या होता है? भय। देखो एक अक्षर बन गया, एक बार बन गया, ये दो अक्षरों को लिया एच लिया और हमने ई लिया। अब हम और भी ले रहे हैं, इसी तरीके से आप जब छोटे छोटे दो अक्षरों के अंग्रेजी के शब्द बनाएंगे तो आपको पढ़ना इंग्लिश आसान हो जाएगी। ये अक्षर बीच में आते रहते हैं, जैसे एक अक्षर ले लिया हमने नीचे से डब्लू कैपिटल ले लिया, अब इसके साथ छोटा जोड़ेंगे कोई, हम मान लो ई जोड़ दे रहे हैं इसमें, तो देखो बच्चों ये क्या बन गया डब्लू ई, इसे क्या पढ़ते हैं? ही मानी। और ही मानी क्या होता है हमने बताया, किसको इस्तेमाल होता है ये, और बी मानी। अच्छा अब हम और ले रहे हैं, कोई अक्षर लेते इसी में से है, ये लिया हमने और यहां से ले ली ही। अब देखो हम ले रहे हैं कैपिटल ओ, ये ले लिया ले लिया, इसमें हम जोड़ रहे हैं स्मॉल एन। ये बच्चों क्या बन गया? ओ एन ऑन। क्या पढ़ेंगे इसे? ये बीच बीच में आते रहते हैं अंग्रेजी में, ऑन मानी होता है पर। समझ में आ रहा है बनाना? जिसकी मीनिंगफुल भी बनने हैं ये, और बगैर मीनिंगफुल के आप और सब वर्ड बना सकते हो, लेकिन उनका कोई यानी मतलब नहीं होता है। मैं मीनिंगफुल वाले बना रहा हूँ। अच्छा एक ले लिया हमने ए, ये भी बीच में आता है, और हमने ले लिया यहाँ से टी स्मॉल टी, ये क्या बन गया एट। एट मानी भी क्या होता है? पर। क्या होता है? हाँ, और समय के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखो हम और बना रहे हैं एक आध, यहां से ले रहे हैं हम आई, क्या ले लिया आई, और यहां से ले रहे हैं हम स्मॉल एन, ये क्या बन गया इन। इन मानी में, इन मानी yeah. और कोई अक्षर ले सकते हो? yes, sir. बताओ जरा एक yeah. बता दो। ओके वेरी गुड, देखो उसने बताया अगर हम ओ ले लें और के ले लें तो ये बन जाएगा ओके और बोलो कोई no. हाँ अगर हम आई ले लें यहाँ से, कल्पना ने बोला, और एस ले ले तो ये बन जाएगा इज, क्या बन जाएगा? अच्छा और कोई? हाँ अगर हम टी ले ले, यही से बनते हैं सारे दो अक्षर वाले सब, टी ले ले यहाँ पर और इधर छोटा वाला ले ले ओ, क्योंकि पहला अक्षर बड़ा होता है दूसरा अक्षर छोटा। हाँ टू और बोलो अगर अगर हम एम ले ले और स्मॉल बाई ले ले
तो ये बन जाएगा माई, माई मानी इस तरीके से। और पांच पांच शब्द सारे बच्चे इंग्लिश के इन दोनों से मिला के बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।